नमस्कार मीडिया नई सुबह की टीम, आज आप मुझे नोएडा में और हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान राम सिंह चौहान जी, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष हैं गौतम बुद्ध नगर नोएडा से, मजदूर प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी से। चौहान साहब, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी, आपने देखा होगा हमारे भारत में कहीं भी चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, सड़कों का बहुत बुरा हाल होता है, सड़कें टूटी रहती हैं, ये नहीं पता चलता कि सड़क में गड्ढा है गड्ढे में सड़क है, और जनता बहुत मेहनत का पैसा देती है, टैक्स देती है, क्या इस बात को मानते हैं आप? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है जी, बिल्कुल। तो नेताओं को इस, हमारे जो देश के नेता हैं, जो सरकार हैं, उनको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जनता का हक बनता है कि उनको साफ पानी, साफ सड़कें, साफ सुथरी सड़कें चाहिए। आपने देखा नेताओं को बिल्कुल इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, एक बार टैक्स दे रही है जनता, टैक्स दे रही है उस पर, पानी की, बिजली की, रोडों की और कोई सुविधाएं सब सरकार को देखनी चाहिए। करते कि हमारे यहाँ साफ सुथरी सड़कें हैं, सारा कुछ है, सड़कें बन चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है? समाजवादी पार्टी ने जो जनता के काम कर रहे हैं उनका आज भी गुणगान हो रहा है, और जो जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ रोडों पे तो गड्ढों पे तो ध्यान दिया है, फिर जनता पे कोई ध्यान नहीं दिया, मतलब जनता खुश नहीं थी जितना समाजवादी पार्टी में खुश थी। हाँ, जितनी समाजवादी पार्टी से जनता खुश थी वो भारतीय जनता पार्टी से वो नहीं है। तो इस बार क्या लगता है कि आपकी पार्टी सरकार अखिलेश जी की बनेगी, आपकी समाजवादी पार्टी की बनेगी? बिल्कुल बनेगी जी। अच्छा, बिल्कुल। बीजेपी ने तो बहुत सारे काम करवाए, आप कह रहे हो कि काम नहीं करवाए? नहीं, काम तो जो रोडों पे गड्ढे होते हैं उन्हें भरवाने काम सरकार ने कराया। अच्छा। जनता उससे खुश नहीं है, जनता को बेरोजगारी से बहुत ज्यादा नाराज है, उनको रोजगार चाहिए, रोजगार समाजवादी पार्टी में मिलता है। अच्छा, मतलब बीजेपी में रोजगार नहीं है जनता को, और रोजगार समाजवादी पार्टी में मिलता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं कि जनता समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करे, उनके लिए मन बना लिया है जी, समाजवादी पार्टी की सरकार आए और महंगाई को भी कंट्रोल करे। अच्छा, आपकी सरकार आएगी तो महंगाई कंट्रोल होगी? बिल्कुल कंट्रोल होगी जी, और रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, रोजगार भी मिलेगा जी। हमारी सरकार समाजवादी पार्टी सरकार आती है तो महंगाई को भी कंट्रोल करेगी और बेरोजगारी जो हो रही है सबको रोजगार भी देगी। चौहान साहब, विपक्ष का आरोप रहता है कि समाजवादी पार्टी में गुंडा राज चलता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एक बात कह सकते हैं, समाजवादी पार्टी का ऐसा बिल्कुल सारी जातियों को मिलाकर काम करने काम समाजवादी पार्टी काम करती है, और तो विपक्ष का कहने का काम है कि गुंडा करती होती है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो चौहान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम मैसेज ये देना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी जरूर आएगी और जनता का भी मन बन गया कि बदलाव होना जरूरी है।